अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो है घिया कद्दू का रायता। तो जनाब उसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो हम आपको दिखाते हैं। तो हमने ये वाला घिया कद्दू लिया है, लंबा वाला। आप चाहे गोल लें, चाहे इससे जो छोटा लंबा और थोड़ा मोटा होता है वो लें। घिया कद्दू इस घिया कद्दू, ठीक है जी। और इसमें जो ये चीज़ें जाएंगी, ये हमने हरा धनिया लिया है, इसकी हम चटनी बनाएंगे। और हरी मिर्चें, हरी मिर्च की चटनी जाती है इसमें ज़्यादातर। और ओनियन है, ये दो हमने साइज़ की ली हैं। अगर आपको इसमें ऐड करनी है तो ठीक है, अगर आपको नहीं इसका टेस्ट पसंद तो नहीं ऐड करिएगा, ठीक है जी। और हमने लिया नमक, और एक जौन सा है टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा, ठीक है जी। तो नमक जितना हमारा जाएगा तो उतना हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें जाएगा ये हमने दही लिया है, ये आधा किलो दही है, होम मेड है। ये देखें कितना माशाल्लाह से अच्छा जमा हुआ है। तो इसकी भी रेसिपी हमने डाली हुई है। तो जनाब ये हमने आधा किलो दही लिया है। अगर ज़्यादा और ज़रूरत होगी तो हम और दही ले लेंगे, लेकिन आधा किलो इनफ होगा। तो ये हमने एक ये पैन लिया, इसके अंदर हमने पानी ऐड कर लिया है, ठीक है जी। और इसके अंदर हम जौन सा है इसमें हम ये हाफ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे, और इसको उबलने के लिए चूल्हे पे रख देंगे, ठीक है जी। तो जो है हमने पानी को उबलने के लिए रख दिया है चूल्हे पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके हम दो पीस कर लेंगे, ठीक है जी। और इसको और पीस को हम कद्दूकस करेंगे, ठीक है, ताकि ये आसानी से कद्दूकस हो सके, इसलिए हमने इसके दो पीस किए हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे एक कद्दूकस, ठीक है जी। इसमें हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो देखिए जनाब, ये हमारा जलसा है, हमने सारा इसको क्रश कर लिया है। और जो है, ठीक है जी, तो अब जो हमने पानी उबलने के लिए रखा है, तो हम दिखाते हैं आपको। पानी उबल जाता है तो इसको कितनी देर हमने उबाला लगाना है, ठीक है जी। तो चलो चलते हैं। तो देख रहे, ये हमने पानी रख दिया था पहले से, इतनी देर हमने कद्दूकस किया है, तो ये पानी में उबाला आना शुरू हो गया। हमने इसमें नमक डाल दिया था, तो अब हम सारा जो है अपना घिया कद्दू इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से सारा इसमें चला जाएगा। ये तो ये हमारा है। तो जनाब अब हम इसको पकने देंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के पकेगा। तो ये हम इसको हाफ कवर कर देंगे ताकि पानी बाहर ना आए, और ये उबल के रेडी हो जाए, ठीक है जी। तो हम इसको जौन सा है ये हमने आपको दिखाया, इस तरीके से डाल के जैसे इसमें उबला आना शुरू होगा, हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट होगा, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे और आपको दिखाएंगे, ठीक है जी। ये देखिए इसमें अच्छे से उबाल आना शुरू हो गया, ठीक है जी। ये देखें, तो अभी थोड़ा सा हम इसको और पकाएंगे। ये देखिए बीच बीच में से हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो गया, हमने इसको ज्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा इसको थोड़ा और पकाएंगे 2 से 3 मिनट, और फिर जनाब
मम्मी तुम्हें इग्नोर कर रही है। तो इसको कवर कर दें तो जल्दी से वाला आ जाता है इसमें। ये देखिए तो जब हम इसका पानी निकालेंगे इसको तो जनाब इसके अंदर जो है हमने ठंडा पानी 2 से 3 मरतबा निकालना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर हम इसको जो है दही में ऐड करने के ये काबिल हो जाए। ठीक है जी, गरम हम दही में डालेंगे तो दही फटेगा भी और दही खट्टा भी हो जाएगा, तो इसलिए इसको ठंडा करके डालेंगे तो दही हमारा बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो जब हमने ओपन किया था तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए थे और 2 से 3 मिनट अभी हम इसको और पका लेंगे। तो ये हमारा जो सा है अच्छे से ये देख लें गल के रेडी है और इसको अब हम जो सा है इसका पानी निकालेंगे, इसको अच्छे से ड्रेन आउट करेंगे, इसको पुशअप कर लेंगे और इसके अंदर ठंडा पानी 1 से 2 मरतबा डाल के तो अच्छे से इसको हिलाएंगे इस तरीके से ताकि सारे में से ठंडा पानी निकल जाए। ये देखिए तो इस तरीके से इसको उबालना है 5 से 7 मिनट में, ज़्यादा 8 मिनट लेंगे उबल जाएगा। पानी को पहले ही उबलने के लिए रख दें जैसे हमने आपको दिखाया था और जनाब उसके बाद ये इस तरीके से तो यहाँ पे इस पोजीशन पे ये देख लेंगे हमारा जो है पक के रेडी है, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा खिलाएंगे तो ये हलवा बन जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा आपस में, तो हमें इसको जोड़ना नहीं है, ऐसे ही रखना है। ठीक है, और अब हम इसको इसके नीचे फ्लेम ऑफ करेंगे। ये हमने हरी मिर्च और हरा धनिया इसमें डाल दिए हैं, हमने इसके जो है डंडल वगैरह भी जो है धनिए के बीच में ही ऐड कर दिए क्योंकि उनके भी अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है। ये जीरा सारा इसमें जाएगा चटनी में और जनाब ये हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर देंगे और इसको हम पीस के लाते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी चटनी बनके रेडी है। ठीक है जी, तो ये हमने जो चटनी बनाई है ये बहुत मजे की बनती है, ये देख लें। तो इसमें से जितनी हमें जरूरत होगी उतनी हम इसमें ऐड करेंगे दही में। दही लिए और हमने ये जो प्याज दिखाया था ये बारीक काट लिया है, जो हरी मिर्चें लाल हो जाती हैं और ऑरेंज ये हमने 2 रख ली हैं। ठीक है जी, ये जैसे जैसे जाएंगे हम आपको दिखाएंगे। तो इसमें ये है हम 1 टीस्पून के करीब हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है, तो अब हम इसको इसमें फेंट लेंगे। ठीक है, तो जनाब इसके अंदर जो हम तो ये हमारी चाय वाले 2 चाय के चम्मच हमने इसमें ऐड किए हैं, ये देखिए। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा चटनी खानी है तो इसमें तीखा ज़्यादा खाना है तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो सा है अब इसके अंदर ये ओनियन ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, और अब हमने जो इसको अच्छे से हाथों से भी निचोड़ा है इसको ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए, तो हम ये घिया कद्दू इसमें ऐड कर देंगे सारा अच्छे से। ठीक
ठीक है जी, ये रखिए। अब यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ी सी धनिया की पत्तियां इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे सबके साथ। माने रहे, ये देखिए, तो ये हमारा घिया कद्दू का रायता, ये देखिए बहुत मजे का बन के रेडी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम जो है इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी जो है धनिया की पत्तियां इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। और जनाब जो सी हमने ये मिर्च काटी है, हरी मिर्च जो रेड हो जाती है और ऑरेंज, तो वो हम इसके ऊपर इस तरीके से ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो है घी का रायता बनके रेडी है। ठीक है जी, आप इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए और हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी सी वीडियो बनाएं। तो जनाब बनाइए हेल्थी, खाइए हेल्थी, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।